हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई, डे है ट्यूसडे। अभी अभी मैंने जस्ट अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म किया है, बिल्कुल सब मैंने सब काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। सो अभी बस मैं जस्ट शायर लेके आ गई हूँ और अभी लंच की प्रिपरेशन थोड़ी बाकी है करनी है। एक्चुअली कल से सारा के और फिफ्थ जुलाई से अर्जुन के स्कूल्स जो हैं वो रीओपन होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी लास्ट छुट्टियां बच गई हैं तो बच्चों को 1-2 दिन अच्छा बना के खिला दें, क्योंकि रूटीन में तो उनको स्कूल में डेली सब्जी रोटी यही सब चपाती वगैरह ही लेके जानी होती है। तो आज सोचा चलो जब बना ही रही हूँ तो आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। आई होप आप देखना चाहेंगे उसकी रेसिपी, क्योंकि मैं जब भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरे को कई बार मैसेजेस आते हैं या मुझे मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलती है कि जो तुम बनाती हो उसको ज़रूर रेसिपी उसकी शेयर किया करो, ताकि हमें पता चले कि तुम्हारा बनाने का तरीका क्या है। क्योंकि देखिए हर एक बंदे का तरीका जो है हर चीज़ को बनाने का वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और वैसे भी मैं आपको पहले भी बता चुकी कि मैं बहुत ज़्यादा मसाले और ये सब कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत नॉर्मल से और बहुत ही कम से कम मसालों के साथ मैं जो है अपनी कोई भी चीज़ है उसको प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन बनाती बहुत प्यार से हूँ, बहुत मन से बनाती हूँ, तो इसलिए वो खाने में अच्छी भी लग जाती है। सो अभी बस मैंने आपके साथ अपना जो मॉर्निंग रूटीन का एक मैंने आपके लिए व्लॉग भी रेडी किया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि ये वाला जो वीडियो है ये पहले पब्लिश हो जाए और वो बाद में हो, क्योंकि अभी वो व्लॉग चल रहा है। तो चलिए अभी देर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया है, टाइम हो गया है लगभग, आज मेरा लंच का जो टाइम है बहुत ज़्यादा लेट है, अभी 12:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, 35 और 40 के अप्रॉक्स बीच में ही है। तो चलिए अभी देर नहीं करते हैं और बनाते हैं पाव भाजी। इसके लिए मैंने जो जो वेजिटेबल्स हैं उनको पहले से ही रेडी कर लिया है, काट के वॉश करके सब साफ सुफ करके मैंने उनको सबको रख लिया है। मैंने इसके लिए लिया है 1 फूल गोभी का और प्याज, मैंने 2 प्याज लिए हैं यहाँ पे, उसको मैंने काफ़ी मोटा मोटा उसको काट लिया है, हरे मटर के दाने, गाजर आजकल अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि आजकल सीज़न नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें मैंने 1 गाजर और 4 से 5 हरी मिर्ची ले लिया, मैंने इनको भी मोटा मोटा काट लिया। मैंने इन सब चीज़ों को इसलिए मोटा मोटा रखा है क्योंकि ये सब सीटी लग जाएगी तो सब हो जाएगा। ये मैंने धनिया इसको बारीक काट लिया है, मेरे बच्चे ऊपर से धनिया डाल के दोबारा नहीं खाते हैं, तो मैं क्या करूँगी कि मैं सब सब्जियों के साथ ही इसको भी डाल दूँगी। और मैं इसमें डालने वाली हूँ एक शिमला मिर्च, इसको भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। टमाटोज़ ले लिए हैं, ये 4 टमाटर हैं जिनको कि मैंने बारीक काट लिया है। और फाइनली मैंने जो पोटैटोज़ हैं इनको बॉयल कर लिया, आलू को उबाल के इनका छिलका उतार के मैंने इनको रख दिया है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। और एक मैंने इसके तड़के के लिए जो है बारीक प्याज भी काट के रख लिया है। सबसे पहले मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है, हम इसकी फ्लेम जो है इसको ऑन कर लेंगे और इसमें मैं डालूंगी लगभग 2 ग्लास पानी। अभी हम इसके अंदर जो है जो हमने सारी सब्जियों को मोटा काट के रखा है उन सबको डाल देंगे। हमें इसके अंदर टमाटर जो हमने काटे हैं उसमें से हम आधा टमाटर इसके अंदर डाल देंगे और जो प्याज बारीक काट के रखा है अभी वो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, और जो आलू बॉईल करे हैं वो भी हम अभी इसके अंदर नहीं डालेंगे। देखिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सबसे पहले गोभी, ये सब मैंने अच्छे से वॉश करके काट के सब रखा हुआ है। ये है शिमला मिर्च, ये जो हमने 2 प्याज काट के रखे हैं वो, 1 गाजर और बाकी की 5 हरी मिर्ची, 4 से 5 हरी मिर्ची। हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं इस वजह से बच्चे भी खा लेते हैं। ये जो है मटर, अभी हम इसके अंदर जो है ये आधा लगभग टमाटर इसके अंदर डाल देंगे और बाकी का जो है हम प्याज के साथ जब तड़का इसका रेडी करेंगे वो उसमें डालेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे मेरे ऊपर से डला धनिया अगर मुँह में आ जाए तो नहीं खाते,
तो मैं इसके अंदर ही काफ़ी सारा कटा हुआ हरा धनिया जो है वो डाल दूंगी। अभी मैं इसके अंदर लगभग आधा चम्मच जो है नमक डाल दूंगी। नमक से क्या है कि जो हमारी सब्जियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो पक जाएंगी और गल जाएंगी थोड़ी, और हमें इन सब सब सब्जियों को मैश ही करना है। तो आप जितनी चाहे 3, 4, 5 जितनी विसल्स चाहे आप इसको दे सकते हैं, इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें इसको मैश ही करना है। और मैंने अभी जो इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं जो आलू उबाल के रखे हैं वो अभी इसके अंदर नहीं डाले हैं, मैंने इसमें ज़रा सा नमक डाल दिया है। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी बिल्कुल ज़रा सा ऑयल, मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, बस लगभग 1 से 1.5 चम्मच इतना ही डाला है और ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी जब हम इसको तड़का लगाएंगे तब इसके अंदर बाकी हम जो सारे इंग्रेडिएंट्स वो डालेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी भी मैं इसी टाइम पे मिक्स कर दूंगी। अभी हम कुकर के ढक्कन को लगा करके इसको बंद कर देंगे। अब मैं इसको लगभग 5 से 6 विसल लगवा दूंगी। जब तक इसमें विसल नहीं आती तब तक हम लोग इसका वेट करेंगे। अभी मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। वैसे तो पाव भाजी जो है पूरे बटर में ही बनती है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑयल भी मिक्स करूंगी साथ में, बटर के साथ में। तो अभी हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अभी हमारा बटर जो है मेल्ट हो चुका है। अभी मैंने इसमें 4 प्याज लेके उसको चॉप करके रखा है, उनको मैं अभी इसमें डाल दूंगी। अब इनको थोड़ा सा, जब तक ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक इसको थोड़ा पकाएंगे। और ये मैं पानी के अंदर एक थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है ताकि पाव भाजी का जो कलर है वो और भी अच्छा आए, उसको पानी में घुल के रख दिया है। अभी तब तक हम देख लेते हैं हमारी कुकर में जो सब्जियां हैं वो देखिए बॉयल होके रेडी हो गई हैं। अभी एक साइड पे हम प्याज को भून के अच्छे से, और उसमें ये जो हमने कलर ऐड करा था फूड कलर पानी के अंदर मिक्स करा था उसको घोला था, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो मैं अभी ये जो हमारे उबले हुए आलू हैं उनको भी मैंने इसके अंदर ही मैश करके इसके अंदर ही जो है वो मिक्स कर दिया है। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी 3 चम्मच पाव भाजी मसाला। ये मैं अब इसमें मिक्स कर रही हूँ कसूरी मेथी को, अच्छे से मैं क्रश कर लूँगी हाथ से और ये उसके अंदर डाल दूँगी। इससे जो है पाव भाजी का टेस्ट वो और भी अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक साइड में सब्जियों को जो है वो अच्छे से मैश कर लूँगी। इसको कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगते हैं मैश करने में, हमें इन्हें बहुत अच्छे से मैश करना है। और ये अभी जो मैंने बाकी का टमाटर बचा हुआ था वो सारा मैंने इस आलू वाले और प्याज वाले मिक्सचर के अंदर ही इसको भी मिक्स कर दिया है, और इसको भी अच्छे से मैं मैश करती जा रही हूँ, और साथ साथ मैं जो है वो बाकी की वेजिटेबल्स उनको भी मैश करती जा रही हूँ। ये जितनी अच्छे से मैश होएगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अभी मैं इस पे इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिए क्योंकि मक्खन में भी बटर में भी नमक होता है, और हमने पहले भी जो सब्जियां बॉईल करी उसके अंदर भी नमक ऐड किया था। अभी ये मैं सारी सब्जियों को जो है एक साथ मिक्स कर दूंगी। आलू वाले मिक्सचर के अंदर ही मैंने वो जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स थी जिनको मैश किया था उसको डाल दिया है, और इसको बहुत अच्छे से मैं अभी इसको जो है मैश करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी।
अभी मैं एक तड़का पैन के अंदर थोड़ा सा बटर लेकर और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर, अभी मैं लाल मिर्ची पाउडर जो है हमने पहले नहीं डाला, तो अब मैं इसमें जो है लाल मिर्ची पाउडर को अच्छे से पका लूँगी और फिर इसको भी उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। एक्चुअली कैमरे में जो भाजी का कलर है वो थोड़ा येलो येलो दिख रहा है, लेकिन कैमरे ने सही जस्टिस नहीं किया उसके कलर के साथ, अदरवाइज इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा बन के आया था, वो रेड रेड कलर बना था उसका फूड कलर की वजह से भी। ये मैंने मक्खन के साथ थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर दिया है, अब मैं मिर्ची को अच्छे से पका करके ताकि इसमें कच्चापन ना आए, और मैं इसको अच्छे से भून करके मिर्ची पाउडर को भी मैं उसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी। मैं फिर इसको अच्छे से बहुत अच्छे से मैश करती जाऊंगी। ये जो पाव भाजी है इसको मैश करने का ही सबसे ज़्यादा प्रोसेस रहता है। अभी मैंने इसके अंदर 2 नींबू का रस निचोड़ करके डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि पाव भाजी की जो भाजी है वो थोड़ी पतली अच्छी लगती है, ज़्यादा थिक वो अच्छी नहीं लगती है। इसमें 2 नींबू का रस और थोड़ा पानी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से पकने के लिए पीछे रख दिया, और मैं तवे पे ये मैंने मक्खन और चुटकी भर पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा एक चुटकी जितना हरा धनिया और एक चुटकी जो है लगभग कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें चारों को डाल करके फिर इसके ऊपर से मैंने पाव जो है वो गर्म कर दिए। धनिया और मेथी का जब पाव में टेस्ट आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो गई है। मैंने भाजी डाली, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा कच्चा प्याज डाला और इसको ऐसे सर्व किया। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपने से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।